वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। असी समाज के विचरते हैं तो कई बार असी समाज में वेखते हैं कि कितने कोई कमी है, घाट है, ऊणताइयां ने, पर असी ये आस रख के बैठे हैं कि इन घाटा इन कमियां नूं कोई दूसरा पूरा करे, असी नहीं। आम तौर पर जो समाजिक पद्धर के उपर वेख्या जाता है कि सड़कां टुटियां होण तां जेड़े आम लोग ने कदे कट्ठे होके इनका सरकारी पद्धर से विरोध नहीं करते या चिट्ठियां नहीं लिखते कि इस सड़क को बनाया जाए कि असी भी 20-25 लाख रुपया ला के गड्डिया लिया ने, तो इन गड्डिया के निचले हिस्से इस टुटी हुई सड़क करके बर्बाद हो गए हैं। पर लोग बोलना नहीं चाहते, कारण वह कहते हैं असी कल्ले कुछ नहीं कर सकते। पर अजिहा नहीं होता। एक बार एक राजा सी, राजे ने अपने देश दे विच रहण वाले लोगों की मानसिकता चैक करने वास्ते मेन रस्ते दे उपर एक वड्डा सारा पत्थर रखवा दिता। पत्थर जो रखवा दिता तो उसे रस्ते तो मंत्रियों ने, वजीरियों ने, अमीर बंदियों ने, मिडल क्लास लोगों ने लंघना सी। जिहड़ा रस्ते दे विच पत्थर वेखे राजे ने गालां दे कमंदड़े बोल बोले तो राजा सारा कुछ लोके वेख रहा सी। पेक वटा के की होया कि किसी भी बंदे ने हिम्मत ना की कि इस पत्थर नू हटा के पासे कीता जावे। कोई एक गरीबड़ा जा बंदा सिर दे उपर उहने सब्जी दी पंड चुकी है, उहने जदों वेख्या भी रस्ते दे विच बड़ा वड्डा पत्थर पिया है ते कई जाणियां नू दिक्कत हो रही है, उहने की कीता कि इस पत्थर नू हटाउण वास्ते उद्यम कीता भी किस तरीके दे नाल इस पत्थर नू इत्थों हटाया जा सकदा है। उन्हें अपने वालों जुगत वरत के, टंग वरत के, थोड़ा जा अपना समा दे के, साधन वरत के इस पत्थर नू उस रस्ते चो हटा दिता। जदों पत्थर नू पासे हटाया तो उन्दे थलों 1000 सोने दियां मोहरां निकली जिंदे उपर लिखा होया सी कि राजे वालों तुहाडी इस सेवा नू वेखदियां होया 100 मोहरां तुहानू इनाम दिता जांदा है। पर जे असी सोचिए साडी जिंदगी दे विच सानू चंगा कुछ तां ही नहीं मिलदा क्योंकि असी जो समाज दियां घाटां ने ऊणताइयां ने असी उन्हों खुद हल नहीं करना चाहते। मैं बड़े वारी ये गल कही है कि लोग आप नीवें पद्धर दा जीवन बतीत करन लग पए ने ते कहन लग पए ने जी जमाना खराब हो गया। भलिओ जमाना मेरे तुहाडे नाल है, कंधां सड़कां दे नाल जमाना नहीं गा, दरख्तां दे नाल जमाना नहीं गा, पंछियां ने अज भी अपना सुभाअ नहीं बदलिया, जानवरां ने अज भी अपना सुभाअ नहीं बदलिया, पर असी ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਚਾਰ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਝੂਠੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਦੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦੀਏ, ਕਰ ਸਕਦੀਏ, ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਡਰਪੋਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।